नमस्ते फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। हरिताली का तीज व्रत न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि ये सुहागिन महिलाओं के लिए अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना का प्रतीक भी है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हरिताली का तीज व्रत से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी, जिसमें पूजा सामग्री, दान, सर्गी के नियम और पारण का शुभ मुहूर्त शामिल है। नंबर एक, पूजा सामग्री। हरिताली का तीज व्रत की पूजा सामग्री में 16 श्रृंगार के सामान, चंदन, धूप, दीप, फूल, फल, पान के पत्ते, नारियल, मेहंदी, गंगाजल और देवी पार्वती की मूर्ति या चित्र का विशेष महत्व होता है। इन सभी सामग्री का ध्यान रखते हुए पूजा विधि को पूर्ण करें। नंबर दो, सर्गी के नियम। सर्गी व्रत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इसमें फल, मिठाई और सत्तू का सेवन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि सर्गी में तली भुनी चीजें या ज्यादा मिर्च मसालेदार भोजन ना खाएं। इससे व्रत के दौरान परेशानी हो सकती है। एक अच्छी आदत है सर्गी में दूध या दही का सेवन करें, जिससे दिन भर ऊर्जा बनी रहती है। नंबर तीन, दान करते समय गलती से बचें। हरिताली का तीज व्रत के दिन दान का बहुत महत्व होता है, लेकिन दान करते समय ध्यान रखें कि कभी भी दान करने वाली वस्तु को अपने सिर के ऊपर से नहीं ले जाना चाहिए। ये एक अशुभ संकेत माना जाता है। हमेशा दान को सीधा और आधारपूर्वक दे। नंबर चार, दान में एक चीज जरूर दे। इस व्रत के दौरान दान में एक विशेष वस्त्र जैसे साड़ी या धोती जरूर दें। ये सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है और व्रत की पूर्णता के लिए आवश्यक होता है। नंबर पाँच, पारण का शुभ मुहूर्त। व्रत का पारण शुभ मुहूर्त में करना आवश्यक होता है। पारण के लिए प्राप्त काल का समय सबसे उत्तम होता है। सूर्य उदय के बाद स्नान कर विविधत पूजन कर व्रत का पारण करें। पारण के समय भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान आवश्यक करें। नंबर छः, दान कैसे करें और कब। दान का समय व्रत के दिन प्राप्त काल या संध्या काल में होता है। हमेशा ध्यान रखें कि दान करते समय मन में श्रद्धा और प्रेम होना चाहिए। दान में किसी प्रकार की जल्दबाजी या अनादर नहीं होना चाहिए। नंबर सात, तीज व्रत में जल का सेवन। हरिताली का तीज व्रत में निर्जला व्रत रखा जाता है, यानी पूरे दिन पानी भी नहीं पिया जाता है। लेकिन अगर किसी को श्वास संबंधी समस्या हो तो वह जल का सेवन कर सकते हैं। श्वास का ध्यान रखना भी आवश्यक है। नंबर आठ, सुहाग की वस्तुएं दान करें। इस दिन सुहागिन महिलाओं को सुहाग की वस्तुएं जैसे चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, मेहंदी और आलता दान करने का विशेष महत्व होता है। इससे सुहाग की रक्षा और समृद्धि बनी रहती है। नंबर नौ, व्रत कथा सुनने का महत्व। हरिताली का तीज व्रत की कथा सुनना या पढ़ना अनिवार्य होता है। इससे व्रत का महत्व और फल बढ़ता है। कथा सुनते समय मन को शांत और श्रद्धामय रखें। नंबर दस,
व्रत के दौरान श्रृंगार करें। हरितालिका तीज व्रत के दौरान सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और समृद्धि के लिए श्रृंगार करती हैं। इस दिन 16 श्रृंगार करना बहुत ही शुभ माना जाता है। नंबर 11, रात में जागरण का महत्व। हरितालिका तीज व्रत की रात जागरण करने का भी महत्व होता है। महिलाएं रात भर भजन कीर्तन कर भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करती है। इससे व्रत का पूर्ण फल मिलता है। अब जानेंगे इसके कुछ टिप्स। ए, सर्गी में तली भुनी चीजों से परहेज करें। नंबर 2, दान में साड़ी या धोती जरूर दें। नंबर 3, आरन का शुभ मुहूर्त प्राप्त काल का होता है। नंबर 4, दान हमेशा श्रद्धा और प्रेम से करें। नंबर 5, पूजा सामग्री में 16 श्रृंगार का ध्यान रखें। नंबर 6, सर्गी में दूध या दही का सेवन करें। तो दोस्तों, ये थी हरितालिका तीज व्रत से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका हरितालिक तीज व्रत शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद। चाओ।